हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज की वीडियो में मेरे पास इधर है जैस डिजिट फोर जी एलिट और ये आपको उसका बॉक्स नज़र आ रहा है इस वीडियो में मैं आपको अपना फ़र्स्ट ओपिनियन दूंगा अबाउट कायो एस जो ये लिखा हुआ इधर पावर्ड बाय कायो एस कि ये क्या है और क्या चीज़ है ये कैसे ये बेनिफिशल है पाकिस्तान में या एशियन साइड पर और बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है या एक्सपीरियंस नहीं तो इसलिए वो इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि नया ऑपरेटिंग सिस्टम और ज़्यादातर लोगों के पास हल्के लेवल का ही सही तो एक स्मार्टफोन उनके पास है तो ये बॉक्स है उसका ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ये कुछ चला सकता है और यहाँ इसके मेन फीचर्स भी मैंशन है मैं ये मेन फीचर्स इधर ही इसको हाईलाइट बता दूंगा जैसा कि इसमें प्रोसेसर कौन सा वाला है आ, कितनी एम की बैटरी है और का स्टोर और सब कुछ हाईलाइट किया हुआ है इसका ये इसके फीचर्स हैं मेन फीचर्स सेट जो हैं और ये ये गूगल के एप्लीकेशन व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह और, और जो जिस रीजन के लिए ये बेस्ट है वो ये है कि बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी अच्छी है तो ये जैज़ की डिवाइस है ठीक है और डब्बे के अंदर जो आता है एक तो फ़ोन आता है फ़ोन मैंने ऑलरेडी पहले निकाल के सेटअप कर लिया हुआ है वो आपको मैं दिखाता हूँ और डब्बे में आता है एक चार्जर माइक्रो यू वाला ये वो छोटा पिन वाला नहीं है जो पहले बटनों वाले फ़ोन पे आता था लेकिन ये अब माइक्रो यूएसबी थोड़ा सा अपडेट करके इसको थोड़ा स्टैंडर्ड पे ले आए हैं और एक इतना अच्छा क्वालिटी का चाहे ना हो लेकिन एक अच्छा हेडफोन्स हेडसेट है, है जो फ़ोन के साथ यानी म्यूजिक सुनने के लिए और सब कॉल अटेंड करने के लिए ये अच्छा है और बैटरी अलग से आती है फ़ोन की वो आप इंसर्ट कर देते हैं और बैट ये है कि आजकल स्मार्टफोन्स में बहुत बड़े बैटरीज आ रहे हैं लेकिन जिस जिस तरह का फ़ोन ये है उसके हिसाब से ये टू थर्ड एमेज भी काफ़ी है ये काफ़ी टाइम निकाल सकता है तो ये तो वो है चीज़ें जो बॉक्स में आते हैं इस फ़ोन के साथ तो अभी मैं आपको फ़ोन दिखाता हूँ ये फ़ोन है ये फ़ोन है मेरे पास ये जायज़ डिजिट फोर जी ब्लैक कलर में ये इसका डिस्प्ले है ये बटन्स और सब कुछ ये इसका बैक थोड़ा सा ग्लॉसी है यानी ग्लॉसी मतलब थोड़ा ये जो शाइन नज़र आ रही है आपको ये उस तरह का कैमरा ये ज़रूर एक पॉइंट है इस का, इन काईस डिवाइसेस का कि इनके पास चाहे हल्के क्वालिटी का हो लेकिन कैमरा है फ्लैश है इस फ़ोन का जो एक डिफरेंट बात है वो ये इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा भी है चाहे हाई क्वालिटी का ना हो लेकिन एक है तो यानी वो ये जो ये काई ओवेस डिवाइस है क्या चीज़ है कि ये समझ लें कि जो आपके पास स्मार्टफोन्स होते हैं आजकल जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स आ रहे हैं चाहे बजट वाले आ रहे हैं चाहे वो महंगे मिड रेंज वाले आ रही हैं यानी जैसा कि सस्ते स्मार्टफोन हैं थोड़े से महंगे स्मार्टफोन और फिर बिल्कुल ही हाई यानी बहुत ही एक्सट्रीमली महंगे स्मार्टफोन पहले कुछ अरसे पहले क्या होता था कि स्काई स्का वैसे पहले के यही बटन वाला फ़ोन होता लेकिन उनका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर जो होता था वो कुछ बहुत ही कोई हल्का सा होता ना जैसा इस इस फोन के अंदर यानी जैसा आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप फेसबुक गूगल असिस्टेंट गूगल मैप्स यूट्यूब है डूएल सिम फंक्शनलिटी वो बेसिक फंक्शन तो वही चीज़ें हैं जो बटनों वाले फ़ोन पे पहले होता था फ़र्क क्या आया का आप इसमें जिस तरह के ये देखें आप वाई से कनेक्टेड हैं आई डोंट नो आपको कैमरा के अंदर नजर आ रहा है लेकिन ये वाई से कनेक्टेड है जो पहले बिल्कुल नहीं होता था इसको डेटा भी आप चला सकते हैं और वो आप जब चला सकते हैं तो इस जैसा आपको ये मैं मेन्यू दिखा देता हूँ इसमें कायोएस स्टोर है आप लोगों के यानी जो बंदा ये फ़ोन यूज़ करेगा उसके लिए ये इतना कोई अहम नहीं कि इसमें कायो एस स्टोर है तो इसमें कौन से एप्लीकेशन बेसिक एप्लीकेशन तो ये यानी आपको फ़ोन पर इंस्टॉल्ड मिलते हैं जो ये पाँच छः हैं मैप्स वगैरह ये सारा कुछ और इसका क्या है उसका मेन बेनिफिट क्या है कि जैसा जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं इवन आप अगर सस्ते तरीन भी ले लें ले, तो एटलीस्ट आपको फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ लगाने पड़ते हैं एक एक डिसेंट सा स्मार्टफोन लेने के लिए कुछ आते हैं उससे कम लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे ट्रबल्स होते हैं कि यानी कि मे बी रैम कम है स्टोरेज कम है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो कुछ उस चीज़ में से वो आपको शायद फील आपको लगे कि हाँ ये गुजारा हो जाएगा लेकिन वो गुजारा करना मुश्किल है काई ओवेस से क्या फ़ायदा हुआ कि एक तो प्राइस कुछ कभी कभार कुछ होता है डिफ़िकल्टीज़ के लोग यानी कि वो कुछ लोगों के लिए पंद्रह हज़ार भी ज़्यादा हो सकता है तो वो, वो उनका होता है कोशिश कि उससे कम खर्च करके एक अच्छा फ़ोन जो अच्छा टाइम भी निकाल ले और इतने ट्रबल्स भी ना हो होके सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं आ रहे वो आउटडेटेड हो गया उसकी चीज़ें क्रैश हो गई रैम उसकी काफ़ी नहीं स्टोरेज बहुत कम पड़ गई ओवर टाइम उसकी तो उन उस उस तरह के लोगों के लिए ये फ़ोन ये फ़ोन या इस तरह का कोई भी फ़ोन जो काई रन करता है अब जैसे अब जैसे इसके ऊपर पहले कुछ टाइम होता था कि लोग अवॉइड करते थे स्मार्टफोन्स को कि उनको यानी कि स्मार्टफोन्स पसंद नहीं या उनको ज़रूरत नहीं उनका उनका जो काम है उनके बटनों वाले फ़ोन से हो जाता है लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा इंटरनेट थोड़ा अवेलेबल होना शुरू हुआ तो उसके बाद क्या शुरू हुआ कि सबके बहुत सारे बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गए जैसे कोविड आया तो उसके बाद और ज़्यादा शिफ्ट हो गए तो कोविड uh, आने से पहले ऑलरेडी चीज़ें ऐसी शिफ्ट हुई थी जैसा लोगों ने व्हाट्सएप पे अपना बिजनेस कर लिया था कि व्हाट्सएप पे रब्ता करें व्हाट्सएप बिजनेस है तो इन कंपनीज ने भी अपना थोड़ा प्रमोट करना शुरू किया कि है व्हाट्सएप बिजनेस यानी एक स्टैंडर्ड अकाउंट है तो एक बिजनेस अकाउंट है जिस जिसपे आप ऑनलाइन बिजनेस रन कर सकते हैं शॉप्स रन कर सकते हैं सब कुछ हो सकता है लेकिन उधर उस तरह के उस पॉइंट पर लोगों को ट्रेवल आना शुरू हुआ तब जाके तब ये उसके कुछ अर्से बाद जाके कायो ऐसी डिवाइसें आने शुरू हुई मतलब ये कि रैम इसकी पाँच सौ बारह एम बी है चार जी बी स्टोरेज है इसकी फ़ोन की अपनी स्टोरेज और इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी इंस्टॉल हो सकता है लेकिन वो अगर यही कुछ स्पेसिफिकेशन है जैसा वन जी बी रैम और मे बी मे बी थर्टी टू जी बी स्टोरेज हो तो अगर कोई नॉर्मल एंड्रॉड फ़ोन हो आजकल के हिसाब से अगर उसको बस सब कुछ आप कर लो एंड्रॉड गो लाइट सॉफ्ट लाइट एप्लीकेशन आप करो तब भी वो फ़ोन हैंग या आपको ट्रबल ज़रूर देगा लेकिन इस फोन का क्या बेनिफिट हो गया कि ना आपको कोई उसे की चीज करनी पड़ी कि एंड्रॉयड गो इसमें रैम भी कम है स्टोरेज भी कम है लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये यानी इसको ऐसा बनाया गया कि ये इस हार्डवेयर के ऊपर जो इसके अंदर है जो प्रोसेसर है जो स्टोरेज है जो रैम है ये इसको यानी इसके इसके हिसाब से सोच के यानी जो इसके अंदर चीज़ें होंगी जैसे जितने का स्टोरेज होगा जितना रैम होगा उसके हिसाब से इसको बनाया गया है कुछ और ये अप्लीकेशन यानी स्पीड वाइज आपको ना कोई लैगी मे बी थोड़ी बहुत लैगीनेस फील भी हो यानी अभी मैं मुझे कुछ घंटे ही हुए इसको यूज़ करते हुए लेकिन एक चीज़ है कि ये मे बी मे बी स्लाइट हैंग हैंगिंग हो इस फ़ोन का मे बी स्लाइट सा कोई स्लोनेस आपको फील हो लेकिन ओवरऑल यानी अगर आप सोचो कि कुछ टाइम पहले शायद होगा कि यानी होता होगा कि बटन वाला फ़ोन हो लेकिन उसमें वाईफाई भी हो और उसमें इतना बस चीज़ें होंगी जैसे ये बेसिक अप्लीकेशन रन कर सकेंगे ना उनको फुल फ्लैज स्मार्टफ़ोन बिल्कुल नहीं चाहिए उनको कोई ज़्यादा ट्रबल नहीं चाहिए क्योंकि फुल फ्लैज स्मार्टफोन का ये भी एक मसला है कि वो ना उनके ड्यूरेबल उनका एक तो लॉन्ग टर्म में कैसा वो चलेगा और उसकी ड्यूरेबिलिटी तो बटनों वाला फोन का बेनिफिट क्या है कि अगर यानी एक तो कम खर्च करके आप एक अच्छा फ़ोन ले लेते हैं फिर वो आपके काफ़ी टाइम भी निकाल सकता है और अगर मे बी uh, कुछ टाइम बाद वो डैमेज हो गया है बटन बटन्स नहीं चल रहे कुछ ना किसी ना किसी तरीके से कोई ट्रबल्स आने शुरू हो गई हैं आपको एटलीस्ट इतन, इतना तो है कि आपने उतना ना यानी आप कर नेक्स्ट कोई फ़ोन दूसरा का ले लें जो यही चीज़ रन करे यही सॉफ्टवेयर आपको टिल द टाइम आपके ये चीज़ें पूरे कर रहा है यह जरूर है कि अगर आपका काम इससे भी पूरा नहीं होता कुछ चीज़ें होंगी जो नहीं होती होंगी जैसा वेब ब्राउजिंग इसके अंदर वेब ब्राउजिंग है लेकिन वो ऑब्वियस है कि एक्सपीरियंस आपका उस तरह का नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट आप कर तो सकते हो और इस कायोवेस्ट बेसिकली कायोवेस्ट का मकसद क्या है कि जो कुछ सालों पहले ऐसा होता था कि यानी कि एशियन साइड में मतलब पाकिस्तान और इंडिया और इस साइड पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं था और अगर अवेलेबल हो भी गया था तो लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं था या कोई डिवाइस ऐसी नहीं थी कि वो एक्सेस कर सकें इंटरनेट यानी कि ऑनलाइन जैसे बहुत सारी चीज़ें अब ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं तो बहुत सी चीज़ों को ऑनलाइन ऑर्डर करो ऑनलाइन चीज़ें करें तो वो लोगों को ट्रबल आ, आती आती थी लेकिन क्योंकि उस उससे कुछ टाइम पहले मे भी साल दो साल पहले ये एक आई हुई थोड़ी फेमस होनी शुरू हुई किसी को पता नहीं था इसके बारे में लेकिन इस अब जैसे ही पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है ये एटलीस्ट आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देता है कि चलो स्मार्टफोन ही तो सेम ही स्मार्टफोन थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस कर लो हो सकता मे बी कुछ साल दो साल बाद जब आपका मर्जी चाहे आपको हो सकता है कि आप यूज़ करें आपको अच्छा लगे उसके बाद हो हौसला आप कुछ लोग होंगे जो इसी के साथ रहेंगे काई ओ एस के डिवाइस के साथ क्योंकि उनको अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है उनका काम भी पूरा हो रहा है ये काइंड kind ऑफ of एक एक ट्रांजिशनिंग पॉइंट है कि जिधर के ना बटनों सिंपल बटन स्मार्टफोन से गुजारा हो रहा है ना किसी को फुल फेस स्मार्टफोन चाहिए लेकिन एटलीस्ट वो इससे ये हो सकता है कि वो दोनों चीज़ें पूरी हो जाती हैं एक सेमी स्मार्टफोन स्मार्टफोन वाले फीचर्स गूगल असिस्टेंट यूट्यूब ये सब कुछ रनिंग है साथ ही साथ बटन वाला स्मार्टफोन ना कोई बहुत बड़ा स्मार्टफोन आराम से कैरी कर सकते हो और जो फ्रेजिलिटी थी स्मार्टफोन्स की वो आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी जैसा कि अब ये स्मार्टफोन है नाजो थर्टी है मेरे पास ये फुल फ्लैज जनरेट रन कर रहा है ये डिवाइस अच्छी है जो प्राइस जिस प्राइस पे ये आ रही है वो अच्छा है सब कुछ है लेकिन कुछ बंद कोई जिस तरह कोई लोग होते हैं उनका काम ऐसा होता है कि बाग दौड़ करनी है सब कुछ है तो अगर इस तरह का स्मार्टफोन होगा या इससे हल्का स्मार्टफोन वो एक दफ़ा बस कोई फॉल होती है डैमेज हो जाएगा एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाएगा लेकिन इस स्मार्टफोन का क्या बेनिफिट है अगर कोई हॉबी कुछ चीज़ हो भी है तो चलो बटन फिजिकल बटन से चलता रहेगा जब ये कुछ ऐसे पॉइंट तक डैमेज हो भी जाएगा कि नहीं चल रहा अब कोई नया लेना तो चलो नेक्स्ट आए उस डिवाइस ले लो यानी इसमें यानी जो लोगों को पहले होता था ना कि एक सस्ता फ़ोन चाहिए जो एक अच्छा टाइम चल भी जाए ना कोई मसला दे और कम खर्चा हो ये वो फ़ोन है जो उस उस चीज़ को पूरा करता है यानी जैसा कि पहले एक टाइम होता था जब एक बंदा जब कहता था कि सस्ता फ़ोन चाहिए तो वो यही होता था कि कितना सस्ता और क्या कॉम्प्रोमाइजेज यानी वो यही होता था कि बंदा कहता था चलो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता लेकिन जब वो वा फ़ोन यूज़ करता था तो वो बहुत ज़्यादा मसला देता था इससे ये है कि लॉन्ग लॉन्ग टर्म में जो मुझे होप है इसका काई ओवस का कि ये ओवर टाइम और डिवाइसिस में आएगा क्योंकि ये पॉपुलैरिटी अगर गेन और ये बात जरूर है कि ये पॉपुलैरिटी गेन ऑलरेडी कर रहा है लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में कि इस तरह की डिवाइस एग्जिस्ट करती है या बहुत रेजिस्टेंट यानी अगर पता भी है तो उनको यही मसला है कि सपोर्ट लॉन्ग टर्म में किस तरह चलेगा लॉन्ग टर्म का तो मुझे नहीं पता लेकिन बटनों वाले फ़ोन का एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊँ तो ये काफ़ी अर्सा चलता है यानी इनके बटन के रंग उड़ जाते हैं सब कुछ हो जाता है लेकिन ये फ़ोन चल रहा होता है चाहे थोड़े से हैंगिंग हो रहा हो स्लाइड्स हो वो इतना मसला नहीं सो अगर आप अभी भी मार्केट में एक ऐसे फ़ोन के लिए हैं जो कि आपको यानी एक सस्ता फ़ोन हो एक अच्छा रनिंग वाला फ़ोन हो और आपको कोई ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स ना कोई आपको हैवी एप्लीकेशन बस जैसे ये मेन व्हाट्सएप ही आपका मेन एप्लीकेशन है एस एम एस कॉल्स तो मेरे हिसाब से आपको ये लेना चाहिए क्योंकि और वाई फाई फंक्शन इसमें हॉटस्पॉट फंक्शनैलिटी भी है ये कुछ लोगों के लिए होगा कि वाई फाई जरूरत नहीं है डेटा जरूरत नहीं है हॉटस्पॉट जरूरत नहीं है लेकिन कोई कभी कभार रियली सही कोई पॉइंट तो आता है कि बंदा होता है कि चलो डेटा चला सके उसी फ़ोन पर या तो यूजली ट्रबल होती है कि कोई दूसरा फोन पकड़ो उस पर चलाओ अगर आस पास नहीं है तो वो नहीं चला सके इंटरनेट इसमें इंटरनेट भी है तो सारी वो चीज़ें हैं चाहे रियली यूज़ हो तो आई थिंक अगर पाकिस्तान में कोई भी बंदा स्मार्टफोन नहीं लेना चाहता क्योंकि वो उनके बजट से बाहर है लेकिन वो बटनों वाला फ़ोन से उनको गुजारा नहीं हो रहा तो ये एक अच्छा इन बिटवीन पॉइंट है कि सस्ता भी है और अच्छा वर्किंग भी है और होपफुली आई होप कि ये लॉन्ग टर्म में भी अच्छा चलेगा तो और बहुत सारी कंपनीज इसकाईज़ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे गूगल टी सी एल इन्वेस्ट करें दैट और वो इन्वेस्ट इसीलिए ही कर रहे हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि इसमें आगे अपॉर्चुनिटी है या कुछ यानी एक तो अपर्चुनिटी ये है कि लोगों को इस इंटरनेट पे लाएँ इंटरनेट यूज़ करें और साथ ही साथ उन यूजर्स में से कुछ लोगों जो लोग इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इन, इसमें इन्वेस्ट हो जाते हैं उनको अल्टीमेटली एंड्रॉयड की तरफ ले आए लेकिन अगर नहीं भी आना चाहते तो उनको इधर से बेनिफिट आ जाता है ये गूगल मैप्स गूगल यूट्यूब असिस्टेंट उससे फ़ायदा मिल जाता है उस उनको रेवेन्यू भी मिल जाता है तो एटलीस्ट बस ये कंपनीज अब इस कोशिश में है कि इस कायस के पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएँ ताकि एटलीस्ट उनको इंटरनेट तक एक्सेस इंटरनेट से एक्सेस होगा तो अल्टीमेटली वो किसी ना किसी तरीके से इंटरनेट से कनेक्टेड बस हो जाएंगे तो आई थिंक अगर कोई बंदा ये फ़ोन लेना चाहता है वो ले बगैर झिझक यानी कोई मसला नहीं है ये काई ओ एस का, का कि क्या एक्सपीरियंस होगा क्या क्या सपोर्ट रहेगा कितने टाइम चलेगा ये आई थिंक काफ़ी अच्छा डिवाइस ये जैसे ये जैज डिजिट फोर ये या कोई भी डिवाइस जो कास रनिंग है नोकिया का कोई फ़ोन है लेकिन नोकिया का मसला ये कि वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू जैज डिजिट और आई थिंक ये जो साइज है इसका और जो प्राइस है आई थिंक ये बेस्ट है आपको ये लेना चाहिए और अगर आप पहले कंसर्न भी थे कि क्या, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये फ़ोन आई थिंक आपको लेना चाहिए और आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा तो ये मेरा ओपिनियन है अबाउट कायोवेस ऑन जैज डिजिट फोर जी अलीट ये है आज का वीडियो थैंक यू अल्लाह हाफिज़